छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भूपेश बघेल हार गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, तकरीबन 40 से 45 हजार से वो लगातार पीछे चल रहे थे और आखिरकार संतोष पांडे को राजनांदगांव ने फिर से एक बार दिल्ली भेजने का मन बनाया। राजनांदगांव से भूपेश बघेल के आने के बाद सीट बेहद दिलचस्प, फाइट बहुत टाइट माना यह जा रहा था। एक ये सीट ऐसी है जातीय समीकरण को देखते हुए जहां बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये जो मार्जिन है वो तकरीबन 40 से 50 हजार का अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक, ये फाइनल नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भूपेश बघेल हार गए हैं। कल ही एक ट्वीट कर दिया था फॉर्म 17C से मैच करने हुए आंकड़ों में इधर उधर होने की बात कही थी और आज ये हार मिली है संतोष पांडे के हाथों। हालांकि राजनांदगांव से चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक नहीं थे भूपेश बघेल, पहले ही कहा चाहता नहीं था लड़ना लेकिन पार्टी ने उतारा है तो आलाकमान का फैसला मानूंगा। और राजनांदगांव में ये लड़ाई भूपेश बघेल हार गए हैं संतोष पांडे के हाथों। छत्तीसगढ़ में लगभग हर एक सीट पर यही हाल है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को जनता ने नकार दिया है। तो तकरीबन 45 हजार की जो लीड है वो संतोष पांडे को मिली हुई थी लगातार, अब कुल एक सीट जो छत्तीसगढ़ में जिसने उम्मीद बचाई है वो है महंत के प्रभाव वाली, चरणदास महंत, ज्योत्सना महंत के प्रभाव वाली, वो है कोरबा। इसके अलावा जो तमाम सीट है उन पर लगातार कांग्रेस पीछे चल रही है। एक जगह है कांकेर जहां तकरीबन 5000 के आसपास की लीड बीजेपी प्रत्याशी नाग भोजराज नाग को मिली हुई है। और राजनांदगांव से यह बड़ा अपडेट, भूपेश बघेल हारे। हालांकि वो जहां प्रचार करने गए थे अमेठी और रायबरेली वो कांग्रेस के खाते में आई है। एक सीट आई है 1,61,000 से। इन सब के बीच जश्न की तस्वीरें, और आप जानते हैं भाजपा चूंकि जश्न प्रिय पार्टी है हर मौके पर वो जश्न ढूंढ लेती है। जैसे उड़ीसा में जबरदस्त कामयाबी भाजपा को मिली है जश्न का मौका, हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुशील कहां हैं अभी आप और वहां पर क्या तस्वीरें जरा दिखाएं। जी देखिए, निश्चित रूप से इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी और कहीं ना कहीं खड़गे, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तमाम जो लोग पहुंच गए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जनता को बधाई दी और कहा यहां तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। जो जनादेश उन्हें दिया उस जनादेश के लिए वो फिलहाल संविधान से लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं आपको अब कांग्रेस मुख्यालय का तस्वीर दिखाता हूं। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहां पर खड़े हो गए हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है। राहुल गांधी अब अपने कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे। एक लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। ये जो जीत है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया उमंग, एक नया जोश भरा है और इसीलिए आप देखिए कतारों में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल खड़े हो गए हैं। बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे भी जलाए गए हैं क्योंकि अब राहुल गांधी यहां से निकलेंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उस बैठक में फिलहाल तमाम जो पार्टी हैं वो बैठकर निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो। लेकिन जो फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे उनकी तरफ से जो सीधे रूप से निशाना साधा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये कहा गया कि नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ये फिलहाल सीधे रूप से एक कटाक्ष है और ये कहा है कि संविधान को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और अब संसद में दूसरे तौर पर नजर आएगी बीजेपी कांग्रेस। ये भी कहा गया है कि जिस तरह से वो एक अप्रोच नहीं बना पा रहे थे संसद में उस अप्रोच को बनाने के लिए अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ठीक है सुशील मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का, अखिलेश यादव को भी उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया। हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार